सो एज पर द रिक्वेस्ट एज पर द इमेल एंड कमेंट्स जेहेतु मोर बहुत सब्सक्राइबर बंधु मैंने पचारिंट फार्मर आई डी रजिस्ट्रेसन आम कमी अनलाइन करपरिया। सो दर्शक बंधु आज भिडियोटी कम्प्लीटली से जदि आप फार्मर आई डी रजिस्ट्रेसन करवाई चाहूँ भिडियोटी आरंभ रु शेष पर्यटन निश्चित देखो ये आप जानते हैं अनलाइन आवेदन करेंगे ना आपको अफलाइन क्योंकि जाइए आवेदन करने पड़ो सी आप फर्म फिलअप केमी करेंगे जदि आप अनलाइन आवेदन करने चाहते हैं अनलाइन केमी रजिस्ट्रेसन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नमस्कार दर्शक बंधु पीएसपी स्टूडियो ओडिया चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत। तो चलो आरंभ करवा आज भिडियोटी। सो दर्शक बंधु जदि आप एग्रीएस नेट ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट की जी से आप फार्मर आई डी रजिस्ट्रेसन गोटे लिंक पाई किंतु जदि आप फार्मर आई डी रजिस्ट्रेसन क्लिक करती आपको लॉगिन आई डी आउ पासवर्ड पचरा देखो ये यूजर आई डी एंड पासवर्ड आपको पचरा। सो दिस इज नॉट फॉर द पब्लिक यूजर जेहेतु आम पब्लिक यूजर आम ऑनलाइन आवेदन करें क्लीयर हो गले आपण ऑनलाइन फार्मर आई डी रजिस्ट्रेशन पे आवेदन करें ना दिस लिंक इज फॉर ऑफिशियल पर्पज मीन्स आपण ब्लॉक रे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये ऑथराइजेशन दी जाएगी से मैंने ही केवल फार्मर आई डी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करें यूजिंग दैट लिंक। सो आम कमी आवेदन करवा करार किसी नहीं दर्शक बंधु ये आपको डिटेल्स कहे आपति फार्मर आई डी आवेदन करेंगे। सो प्रथम कौन करेंगे गूगल सर्च रे सर्च करूँ फार्मर आई डी फर्म। सो फार्मर आई डी फर्म जो आप सर्च कर देखिए आपको agriesnet.ori.nic.in यही लिंक में गोटे पीडीएफ मिल जाए प्रथम लिंक देखो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर रजिस्ट्रेशन से ही लिंक ऊपर क्लिक कर दिखाँ आपको गोटे पीडीएफ फाइल देखा दर्शक। सो ए पीडीएफ फाइल टी आपको प्रिंट आउट नहीं जाए पड़ो प्रिंट आउट नहीं कि आपमें जमी बर्तमान मुझे देखिए आपत फिलअप करेंगे ठीक से ही भाव आपको फिलअप करने पड़ो। सो फर्म टी ये देखि आपको गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर रजिस्ट्रेशन फर्म। सो प्रथम एक नंबर में अच्छी फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर जोटा को आपको एंट्री करार ना फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इश्यू कर। सो दुई नंबर में आपको फिलअप करने पड़ो आपर डिस्ट्रिक्ट नेम ये आप लिखि दिंतु डिस्ट्रिक्ट नेम लिखे देन आपर ब्लॉक नेम ये एंटर करेंगे देन ग्राम पंचायत बा वार्ड ये आपको लिखापी पड़ो देन विलेज ये आप गाँव लिखि दिंतु देन पिनकोड पिनकोड ये आपको एंटर करने पड़ो। सात नंबर पॉइंट रे हेड ऑफ फैमिली नेम आपण फैमिली जे हेड तक ना ये एंटर करेंगे देन जेंडर मेल और फीमेल ये आपको जस्ट सिलेक्ट करने पड़ो मेल और फीमेल देन कैटेगोरी नौ नंबर कैटेगोरी जो थे जेनेल एस सी एस टी आपटेगोरी बिलंग करटेगोरी को ये आपको जस्ट रईट सैड टिक मार्क मारे पड़ो देन दस नंबर में डेट ऑफ बर्थ देखो डेट ऑफ बर्थ ये आपत एंटर करेंगे डी डी एम एम वाई वाई जो लिखा अच्छे डी डी आपर डेट फॉर एग्जांपल जदि आप डेट ऑफ बर्थ। सो जदि आप डेट ऑफ बर्थ 8/7/1998 देन आपको एंटर करने पड़ो 08/07/98 ठीक अच्छे यही फर्माट्रे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने पड़ो देन एज आपर बयस कैसे आप एंटर करनी माइनस करने इयर टू इयर माइनस कर लेंगे जो आपर बयस से बयस आपको एंटर करने पड़ो फॉर एग्जांपल ये आम 39 लिखने देन फादर और हस्बैंड नेम ये आपा कि स्वामी ना एंटर करेंगे जदि आप पुरुष किंवा अविवाहित महिला तेल आपंपा ना से एंटर करूँ जदि आप मैरिड लेडी देन हस्बैंड नेम ये एंटर करेंगे। सो 13 नंबर में वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे 14 नंबर में आधार नंबर एंटर करेंगे देन 15 नंबर में आपंकर मोबाइल नंबर टी एंटर करनी। सो आमर फार्मर डिटेल्स कंप्लीट हो गला बी रे फैमिली मेंबर डिटेल्स ये आपको एंटर करने पड़ो फैमिली मेंबर डिटेल्स रे आपण कौन करेंगे प्रथम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिखिदेवे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3 आपणकर टोटल फैमिली मेंबर केते ये आपको लिखापे पड़ो। सो एक नंबर में हेड ऑफ द फैमिली जी अच्छा जहाँ ना आप लिखिले से ही नेम टी आपको एगेन एंटर करने पड़ो एक नंबर पॉइंट रे आपंकर हेड ऑफ द फैमिली जी अच्छा ना एंटर करूँ देन रिलेशन विथ एचओएफ आपको ये एचओएफ बोली टाइप करने पड़ो कहीं से निजे हेड ऑफ द फैमिली एज लिखिदेवे 39 फॉर एग्जांपल आपंकर एज जहाँ ये आपको एंटर करने पड़ो देन दुई नंबर में आपंकर वाइफ का ना एंटर करूँ देन रिलेशन विथ एचओएफ वाइफ ये आप सिलेक्ट करेंगे देन तीन नंबर में आपंकर पुओना
किंवा अन्य कोणसे मेंबर जदी अछंती फॉर एग्जांपल आमे एटे पुना नंबर सो लिखि देला पर सेटी आपनकू रिलेशन विथ एज ऑफ सन लिखिया पे पडिवो देन एज लिखि दियंतु देन सेइ बडी जदी आपन डॉटर अछंती ताले डॉटर का नाम एटे लिखंतु आ तकरा एज मध्ये एटी आपनकू एंटर करिया पे पडिवो सो आमे एटी तीनोटी फैमिली मेंबर एंटर करछु सो सेइ बडी जदी आपनकू चार जनर मेंबर अछंती ताले आपन एटी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 4 एंटर करके चार जनकर एंट्री मध्ये कर पेरिबे सो हमर फैमिली मेंबर डिटेल्स जोटा अच्छी आम कम्प्लीटली फिलअप करदे देन नेक्स्ट आपको भरिया पड़ो सी जो थे कि आपको आप बैंक डिटेल्स भरिया पड़ो सो बैंक डिटेल्स कौन करेंगे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जहाँ ना अकाउंट अच्छी ना ये आपको एंटर करवाई पड़ो देन अकाउंट नंबर एंटर करने पड़ो बैंक नेम एंटर करेंगे ब्रांच नेम एंटर करेंगे देन IFSC कोड एंटर करेंगे सो बैंक पांचटी डिटेल्स आपको एंटर करने पड़ो सो एंटर केयरफुली लिखि दिंतु देन आपन को चाषी को टीप चिन्ह बा स्वाक्षर जो जगार लेखा अच्छी से जदि अनएजुकेटेड चाषी अच्छा तेल से टीप चिन्ह देते जदि आप सिग्नेचर करपर सिग्नेचर कर देखु तले आपको मिल जाव फॉर ऑफिस यूज एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ रिसीप्ट सो ये आप किसी फिलअप करना ना यहाँ हूँ फॉर ऑफिशियल यूज सो से जो पार्टी अच्छे फिलअप करेंगे सो आप कंप्लीटली वर्तमान निर्भुल भाव फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी फिलअप करने सहित आपको कौन करवाई पड़ो यही एप्लीकेशन टी आप फिलअप कर दिंतु ताहित आपणकर आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड बैंक पासबुक फ्रंट पेज जेरेक्स गोटे पासपोर्ट साइज फोटो देन आपणकर जमी पट्टा जदि एक अधिक जमी पट्टा अच्छी सब जमीर पट्टा से आपर पट्टार फोटोकॉपी ऑनलाइन ROR जो वेबसाइट अच्छी भूल एक वेबसाइट रूप डाउनलोड करके अटाचमेंट करेंगे सो यही जिनस गुड़क आपको अटाचमेंट करने पड़ो अटाचमेंट करके गोटे फाइल कर दिखाँ और फाइल टी नहीं आपर ब्लॉक को जातु ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छी VLW VAW वगैरह जो ऑफिशियल व्यक्ति मैंने अच्छा से देखा करूँ आ से कहतु जो मोर गोटे फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करार अच्छी यही तार डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करके आँची सो प्लीज मोर गोटे फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करना सो ये हूँ कंप्लीट प्रोसीडियर जदि आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आवेदन करने चाहते सो आशा करे वीडियोटी निश्चित भल लगे दर्शक बंधु जदि आप चैनल नुआ आपर्तंत आम चैनल सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड आज ये दर्शक बंधु पुणे देखा आउ एक नुआ एपिसोड जय हिंद वंदे उत्कल जननी।